बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची में बुलेटिन धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम मोटरसाइकिल के सीट के नीचे फ्रेम में नस्ब था। दहशतगर्दी का हदफ पुलिस मोबाइल थी। बम को मजमूई वजन 4.5 किलो था। बम धमाके में खातून जान बहक, 11 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस मोबाइल, रिक्शा और 5 मोटरसाइकिलें मुतासर हुई। कराची धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक की गिरफ्तारी के लिए जल्द पुलिस के छापे जारी। मोटरसाइकिल का मालिक परवेज रहमान का कुछ अरसे काबिल इंतकाल हो चुका। मरहूम के अहलखाना के मुताबिक मोटरसाइकिल मुलाजिम साबिर के पास मौजूद थी। मुलाजिम साबिर की गिरफ्तारी के लिए करीबी घोट में भी छापा मारा गया। नई इलेक्शन कराएं या बहरानों के सामने डट जाएं, हुकूमत की मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म आज इत्तेहादी जमातों के साथ बड़ी बैठक करेंगे। काबीना इजलास भी तलब। मुस्तकबिल के बारे में जल्द फैसले का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकातें। इमरान खान को हिराने के लिए सारे इकट्ठे हो गए। उनका जनाजा इकट्ठे निकलेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सवाबी में जलसे से खिताब, बोले क्राइम मिनिस्टर समेत 60% काबीना जमानत पर है। शरीफों की करप्शन पकड़ने वाले अफसर हार्ट अटैक से मर रहे हैं। खाने में जहर मिलाने और इंजेक्शन से हार्ट अटैक हो जाता है। इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही। सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो चुका। सुबह भर में तमाम इम्तिहानी मराकज में तलबा और उसाज़ा के मोबाइल फोन्स लाने पर पाबंदी आयद। इम्तिहानी मराकज के बाहर और अंदर सिक्योरिटी के सख्त इकदामात। खुशाब के इलाके जोहराबाद में 2 ग्रोहों के दरमियान तसादुम, 3 अफराद कातल, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग जमीन के तनाजे पर हुई है। और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवली और कलीद बरदार शेख नूरी मोहम्मद अली के पाकिस्तान आमद। शेख नूरी मोहम्मद अहमद अली मदीना मुनव्वरा से कराची पहुंच गए। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी। एवन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।